हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो है बिहार सीएचओ का रिजल्ट कल डिक्लेयर हो चुका है, तो इग्नू का फॉर्म किस तरह से भरना है और वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, उस सभी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो वीडियो को आखिरी तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो ये तो रिजल्ट है, लिस्ट है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की। इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, आप अपना नाम इसमें सर्च कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड, अंडरस्टैंड, फॉलो इंस्ट्रक्शन केयरफुली एज मेंशन। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू ईच ऑफ देम सेपरेटली। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू नोट एंड अराइव एट द वेन्यू एज पर अलॉटेड डेट एंड स्लॉट। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा किसको अलॉट हुआ है। अग्नू फॉर्म। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड टेक प्रिंट आउट विन कम्प्लीटली फिल द फॉर्म एज डिटेल इंस्ट्रक्शन अटैच अलॉन्ग विद द फॉर्म। द कैंडिडेट शेल ब्रिंग विद देम अ कम्प्लीटली फिल फॉर्म to the submitted after successful document verification. In case of any confusion during filling the form, the candidate can leave the respective field in the form blank for clarification at the time of submission. ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दें, बाद में उसको भर जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इज श्योरिटी बॉन्ड। एज पर इंस्ट्रक्शन पब्लिश्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू साइन श्योरिटी बॉन्ड। हैंस द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड गो थ्रू द श्योरिटी बॉन्ड केयरफुली। द कैंडिडेट शेल ब्रिंग विद देम द कम्प्लीटली कम्प्लीटली फिल्ड बॉन्ड इन वाइट पेपर नोटरी ऑफ 1000 रुपीज विल बी डन एट SHSB टू बी सबमिटेड आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म, कैंडिडेट कैन लीव द रेस्पेक्टिव फील्ड इन द फॉर्म ब्लैंक फॉर द क्लेरिफिकेशन द टाइम ऑफ सबमिशन। सबमिशन ऑफ श्योरिटी बॉन्ड इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फेलियर टू विच कैंडिडेट इज लाइबल टू बी रिजेक्टेड। ठीक है, श्योरिटी बॉन्ड भरना आपको बहुत ज़रूरी है। 1000 का जो नोटरी है वो आपको करवाना है। लिंक टू डाउनलोड श्योरिटी बॉन्ड और इग्नू फॉर्म सिंपल प्री फिल्ड बॉन्ड हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन द वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट पर ये लिंक अवेलेबल है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अराइव इन रेस्पेक्टिव टाइम स्लॉट एज पब्लिश्ड अलॉन्ग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड वन सेट ऑफ फोटोकॉपी फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लास 10 सर्टिफिकेट और मार्कशीट फॉर द डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट ऑफ असेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि वर्किंग रेगुलर स्टाफ इन JNM बेस नर्सिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और वर्किंग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, फ्रेश JNM नर्सिंग, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, बैचलर ऑफ नर्सिंग। कैंडिडेट शुड हैव परमानेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एनी नर्सिंग काउंसिल। सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द परमानेंट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल पटना बिफोर ज्वाइनिंग एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, ज्वाइनिंग से पहले आपको चेंज करवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, EWS के लिए भी, ST SC और OBC सारे कैंडिडेट्स के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे भी कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन कैंडिडेट सर्टिफिकेट और परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी ज़रूरी होगा। ये उसका हिंदी अनुवाद है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं इंग्लिश इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। कास्ट सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंशियल, ये ST SC सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपना अपना सर्टिफिकेट तैयार रखें दोस्तों। PWD कैंडिडेट हैं उनको भी अपना सर्टिफिकेट तैयार रखना है, और स्वतंत्रता सेनानी उनके आरक्षण का, जो भी आरक्षण का आप दावा कर रहे हैं उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र का भी डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम कट ऑफ डेट। ठीक है, जो 1/1/2021 है उससे पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट की ले जानी है। On arrival, the candidate shall proceed to registration desk for registration. After registration, candidate shall be assigned document verification team. आपको टीम को दिया जाएगा जिससे कि आप डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन आपका होगा। ठीक
एंड फॉलोइंग द सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट शेल प्रोसीड फॉर सबमिशन ऑफ इग्नू फॉर्म एंड श्योरिटी बॉन्ड. सबमिशन ऑफ श्योरिटी बॉन्ड अलॉन्ग विद इग्नू फॉर्म इज मैंडेटरी, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेशियो ऑफ 1:2, यानी कि डबल कैंडिडेट्स को लिया गया है. फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन रूल इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार. ठीक है, ये जो है 2x कैंडिडेट्स हैं. ठीक है, इनके आधे को ही लिया जाएगा. कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज नॉट टू डिस्क्लोज दियर पर्सनल डिटेल्स लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एटसेट्रा टू एनी पर्सन मेकिंग क्लेम्स रिगार्डिंग द काइंड ऑफ हेल्प विद रिस्पेक्ट टू एडमिशन एंड सिलेक्शन इन द कोर्स शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म द सेम टू द अथॉरिटीज. राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार आवश्यक सूचना, यहाँ पर 16/3/2021 को 10 AM से 1 PM तक सीरियल नंबर 12/2029, और इस तरह से अलग अलग टाइमिंग में 17 तारीख को भी होगा, 18 को भी होगा, 19 को भी होगा, यानी कि 16 से लेकर के 19 तारीख तक हमारा जो है 16 से 19 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा. कहाँ होगा? राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान शेखपुरा पटना. पहले चरण में आने वाले अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन टाइम 9:30 बजे रहेगा और आफ्टरनून में आने वाले का 1:30 बजे रहेगा. शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थी उक्त तिथि में प्रकाशित सूची के अनुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाएँ. ठीक है, जैसे कि ओरिजिनल भी लाने हैं और एक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी ले जाएं, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एडमिट कार्ड फोटो, एक पहचान कार्ड, जन्मतिथि के लिए 10वीं का मार्कशीट, असेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे JNM, BSc, नर्सिंग जो भी है आपके पास वो सभी, और आपके जो भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास. ठीक है, सारी चीज़ें. आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जो बिहार राज्य के हैं, बाहर के निवासियों को नहीं मिलेगा. ठीक है, जो भी जिन भी डॉक्यूमेंट अलग अलग आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपके पास अलग से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको क्या ज़रूरत होगी, इग्नू का वेरिफिकेशन, इग्नू का जो फॉर्म है वो भी आपको भरकर ले जाना है. और योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन में किया है. ठीक है, जिस आवेदन में आपने जिन चीज़ों का उल्लेख किया है वही आगे काम आएगी. अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग की वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार पर प्राप्त कर सकते हैं. उस उक्त वेबसाइट को निरंतर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है. ठीक है, ठगी के प्रयास कोई भी करता है तो उसको आप सूचित करें, उससे आप संलग्न मतलब उनसे आप ऐसा नहीं कि पैसे वैसे नहीं दें किसी को भी. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. हैव अ ग्रेट डे.